नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फिंगर अवेकस पर ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि 0 to 9 नंबर्स को हम फिंगर्स पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि 10 to 99 नंबर्स को फिंगर्स पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए इस पिक्चर की हेल्प से हम फिंगर अवेकस को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये हमारा अवेकस है, 2 रॉड का अवेकस है। इसको हम यूनिट रॉड, ये हमारी फर्स्ट रॉड को हम यूनिट रॉड बोलेंगे और इसकी लेफ्ट वाली रॉड हमारी टेंस रॉड कहलाती है। तो हमारी जो यूनिट रॉड का काम, जो हमारा राइट हैंड है उसको हम एज अ यूनिट रॉड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे फिंगर्स हमारी लोअर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारी थंब है वो हमारे अपर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरी फिंगर्स की वैल्यू क्या होती है? 1। एवरी फिंगर्स रिप्रेजेंट करेगा 1 1 1 1 और हमारा जो थम है वो हमारा 5 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि अपर बिट्स की वैल्यू 5 होती है। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारी टेंस रॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमारी लोअर बिट्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारा थम क्या है, टेंस रॉड की अपर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी एवरी फिंगर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 और थम हमारे रिप्रेजेंट करेगा 50 को। तो चलिए देखते हैं कि इनके बीच की वैल्यू को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे फिंगर्स की हेल्प से। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमने इंडेक्स फिंगर ओपन किया, इसकी वैल्यू होगी 10। तो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 + 1 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 20 20 के लिए हमारा राइट हैंड के सारी फिंगर क्लोज होंगी और ये हमारे लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर को भी हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये हमारा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 60, 70, 80। अभी हम देखते हैं 90, तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो इस प्रकार से हम फिंगर्स की हेल्प से हम 0 to 99 काउंट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिंगर अवेकस को हम बहुत और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से हम फिंगर अवेकस यूज़ करते हैं। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है 19 10 एंड 9 19 हो गया। अभी -5 तो क्लोज कर देंगे, थम की वैल्यू 5 होती है, क्लोज हम करेंगे थम एंड -2 फिंगर को क्लोज किया। अभी तो हमारा 12 हो गया, अभी 11 तो 10 एंड 1 ओके। नाउ 5 + 5 है तो +5 ओपन किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28। 10, 20, 25, 26, 27, 28 हमारा आंसर हो जाएगा 28। नाउ 15 10 एंड 5 15 + 3 तो 3 फिंगर ओपन करेंगे। अभी क्या है -6 तो 5 and 6 - 6 + 17 10 + 7 5 6 7 अभी -4 तो 4 फिंगर को क्लोज किया तो हमारा आंसर कितना हो गया 10 25 25। नेक्स्ट है 20, ये हो गया हमारा 20 20 14 10 and 4 14 + 15 10 and 5 15 15 आंसर इज 40 + 45 46 47 48 49 आंसर इज 49।
63 plus 6 5 6 हो गया 69। नेक्स्ट इज माइनस 3, क्लोज की 3 फिंगर, माइनस 5, 5 क्लोज किया, तो आंसर इज 50 थंब की वैल्यू क्या होती है, फिफ्थ, लेफ्ट हैंड के थंब की वैल्यू होती है 50 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 5 6 माइनस 5, आंसर इज 54। नेक्स्ट 48, 40 and 8 हो गया 48। नेक्स्ट है माइनस 2, माइनस 2। नेक्स्ट है माइनस 1, माइनस 1। अभी माइनस 20, माइनस 20। आंसर कितना हो गया 10 25 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, आंसर इज 38। Now, next question is 25 plus 11, 10, 1, 11 plus 3, plus 3. Next is minus 3, minus 3. Answer is 36. चलिए last question देखते हैं, 2 plus 5, minus 7. 5 6 7 प्लस 62 50 60 and 2, आंसर कितना हो जाएगा 62। तो ये था हमारा फिंगर अबेकस पर वीडियो नंबर 2। इस वीडियो हमने सीखा कि 0 to 99 नंबर्स को हम फिंगर्स के हेल्प से किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।